ऐसा शोर है। दीवाना है चौधरी जी, दीवाना। कौन दीवाना? वही जी प्राइमरी टीचर, बड़ा मजाक उड़ाया करता था मेरा, पागल हो गया बेचारा। अच्छा अच्छा, प्राइमरी टीचर, उनसे तालीम आम करने का बड़ा शौक था। जी जरे, उसकी बीवी भी लोगों के घरों में जा जा के कहा करती थी कि बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। उस बेचारी का हशर भी बहुत बड़ा हुआ था। वैसे खून मैं देखू, तूने ये काम भी कमाल किया था। ये क्या कह रहे हैं चौधरी जी, मैं भला अपनी बहनों जैसी औरत पे हाथ उठा सकता था जी? फिर मीस क्यों तुम्हें पकड़ के ले गई थी? वो आखिरी बार मेरे कच्ची में गई थी जी, तुम उसके लिए लेके आई थी जी मेरी बहन की शादी में। लंगरी टोलती क्या पराठे बनाए थे जी उसने, क्या नहीं औरतों का खाना लाई थी जी। उस रात मेरी सोनी बोली कि मेरी अपनी कोई बहन नहीं है ना मेरे शौहर की, बस बस यही मेरी सच्ची बहन है। जो मिली जन्म जी और उनकी जी जो रही ये लाखों ठीक कह रहा है जी जो रही। तो फिर किसने कत्ल किया था उसे? वो तो मुझे पता नहीं है जी, लेकिन पुलिस लाखों के पीछे लगी हुई थी। वो तो आप एक अच्छा वकील ना करते तो ये तो लटक गया था, चला गया था जान से। लाखू भाई अच्छी ठीक कह रहा है जी, मैं आपका दिन तक था जी, मुझे ना फिर शादी कर दी तूने अपनी बहन की? हाँ जी, क्यों? उसके ससुराल वालों ने जी एक कातिल की बहन से शादी से इनकार कर दिया था। कर देगा उसका रिश्ता, कहीं देखभाल कर। जस जी, कौन करेगा जी उससे शादी? इस लड़की की बारात एक बार वापस लौट जाए तो क्या हम तक उसकी बारात वापस नहीं आती है जी? ना लख ना, ऐसे ना बोल। मैं हूं ना, मैं हूं तेरा भाई। मैं देखूं मुंशी ने पहली बार अकल की बात की है। चलो जी, वो मर जाएगी मगर इससे शादी नहीं करेगी। तो क्यों वो, इसमें क्या अजीब है? ये तो मुझे नहीं पता था, मगर वो अपने आप को अभी तक उसकी अमानत समझती है जिससे उसका निकाह हुआ था। लड़के ने तलाक नहीं दी थी? नहीं। क्यों? कहते हैं जी कि अपने बचपन की मांग को कैसे छोड़ दू। हाँ,
बल्कि जवान मात्र है। मैं देखूं गांव के मर्द को ऐसा ही होना चाहिए। एक बात बहुत से लोग मिलकर सोचने लगे तो वो तहरीक बन जाती है। तहरीक को दमाग मिल जाए तो एक लायहे अमल तय पा जाता है, और लायहे अमल तय पा जाए तो अनगिनत हाथ उसकी तकमील के लिए मसरूफ़कार हो जाते हैं, और इस तरह ख्वाब ताबीर पा जाते हैं। ये मस्जिद बंद कर रहेगी अल्लाह, बंद कर रहेगी। दलील से बड़ी कोई कुव्वत नहीं होती, और कुव्वत से बड़ी कोई दलील नहीं होती। अनगिनत लोगों की एक राय अवामी कुव्वत का ऐसा सैलाब होती है जो सब कुछ बहा कर ले जाती है, सब कुछ बहा कर ले जाती है। फिक्र न करो लगता, फिक्र न करो, हमारा गांव एक मस्जिद और एक मदरसे की राह देख रहा है, और ये मंजिल चलकर वहां तक पहुंचेगी। अल्लाह के हुक्म से और उसके बंदों की तामील से इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उल्टा तुम्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। तुम यूं करो दूसरी शादी करा दी, तुम यूं करो दूसरी शादी करा दी। बको मेरी तो समझ में नहीं आ। Mach 3, three blades for the closest shave in a single stroke. You'll love the difference. And so will we. Mach 3. मुझे भी टेंशन में रखती, मुस्तकिल टेंशन में रहने की वजह से मेरे तो असाफ जवाब दे देंगे। असाफ उस बेचारी के जवाब दे देंगे, किंतु शौकत हमें उसके असाफ को इच्छा करना है, उसकी तवानाई को जमा करना है, प्यार से अच्छे से हमें उसके कॉन्फिडेंस को उस पर बहाल करना है, जो बहुत मुश्किल काम है। कि सब कुछ लड़ाई झगड़े से नहीं होगा, अक्ल से होगा, जबकि शायद तुम्हारे पास तो नहीं। ये भी तो अब यकीन नहीं। शौकत क्यों तुम ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दोगे? जी शाहजी, क्या हाल है आपके वसीले और नजीरे का? बहुत मायूस है सर, बहुत ही मायूस। अभी अब इन हालात में क्या किया जा सकता है? इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं सकता सर। हाँ शाहजी, इंतजार के सिवा हम क्या कर सकते हैं? वैसे चौधरी रियासत ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा के उनके अपने खिलाफ बयान को इंतकामी बयान बना दिया है। जी सर, अब हम उनको छोड़ भी नहीं सकते, क्या कर सकते? वैसे चौधरी रियासत ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा के उनके अपने खिलाफ बयान को इंतकामी बयान बना दिया है।
जी सर। अब हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे चालाक आदमी है ये चौधरी, ज्यादा अकलमंद ना बन दिया, दलील ना दे, वकील ना बन, तेरी वकालत नहीं चलेगी अनपढ़ आदमी। पर दलील में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है दलील में। क्या बड़ी ताकत होती है पता है? क्या किया जाए? ताकत खुद एक दलील होती है। ताकत से बड़ी दलील ढूंढने से नहीं मिलती, ना तबाहों में ना किताबों में। ताकत बहुत बड़ी दलील है। दुनिया की सबसे बड़ी दलील ताकत है। इस दलील के आगे किसी दलील का चराग नहीं चलता, ना विद्या। तो अब मैं जाऊं चौधरी? जा जा। दोस्तों, हम उन जहन लोग सारी जिंदगी किताबों के बड़े प्रदान करते हैं। काश हमने अपनी ये जिंदगी हक ताला की बख्शिशों और इनायात को समझने में गुजारी। अल्लाह ताला की बख्शिशों इनायात और अताओं को अपने अमाल से चमकाया होता और हम जर्रा होकर भी आफ्ताब करार न जाते। हमारी जाहिल दोस्त हैं दोस्तों, ये दुनियावी कामयाबियों की ख्वाहिशें, आगे बढ़ने की ख्वाहिशें, ये तो खुदा के सीधे रास्ते पर चलने वालों के रास्ते में घात लगाकर बैठे हुए डाकू हैं, कातिल हैं, हथियारे हैं, जिन्हें किसी का कोई खौफ नहीं। वो तो बस आगे ले जाना चाहते हैं, खुदा के रास्ते से दूर ले जाना चाहते हैं, दोजख के गड्ढे में धकेल देना चाहते हैं, दोजख के गड्ढे में। ख्वाहिशें हमारी जाहिल दोस्त हैं और खुदा हमारा दाना दोस्त है। उस पर नजर रखो जो तुम पर निगाह रखता है, उसकी बात मानो जो हमारी दुआएं सुन, हमारी ये तमन्ना को पूरा करता है।
ये टेलीविजन में अजान हो रही है जी, इशा की। मैं देखूं बड़ा जलो काम आया है मुझे, किसी सियाने को बुला इसकी ताबीर तो पूछे। जी हमारे आमाल मिस्ल तख्ती के हमारे गलों में लटका दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि देखिए और अपना मुंसिफ आप हो जाओ। मेरे अजीजों, बड़ा मुश्किल मरहला है अपना मुंसिफ आप हो जाना, बड़ा मुश्किल। हाँ तो क्या ताबीर हुई इस ख्वाब की हकीम अब्दुल्ला कड़िया ने? चौधरी जी, आपकी ख्वाब बिल्कुल वाज़े है, लेकिन मैं इसकी ताबीर नहीं बता सकता जी। इसकी ताबीर नहीं बता सकता
तो वो क्यों हकीम अब्दुल्ला? वो चौधरी जी, इसकी ताबीर आपके सामने वही बयान कर सकते हैं जी जिसने गधे पर बैठना। गधे पर तो आप उसको भी बिठा देते हैं जिसने कभी बता दिया।